खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। पश्चिम बंगाल में कट मनी पर मचा कोहराम। जगह जगह टीएमसी नेताओं के खिलाफ फूट रहा है गुस्सा। दो दिन से संसद में गूंज रहा है मुद्दा। आपने जो बताया मैंने सारी प्रोसीडिंग को देखकर मैं हॉस्पिटल जखन बेडेर भाड़ा चावा है सेखन थेके काटमानी शुरू है। ममता बनर्जी पर बरस रहे हैं विरोधी। हर एक किसी काम के लिए पैसा देना पड़ रहा है। केंद्रीय सरकार की योजना है उसका भी लाभ मिलना है तो आपको आपको पहले पैसा जमा करना पड़ता है। वो हम बोलते थे, मुख्यमंत्री बोल चुकी है कि जो भी वसूली हो रही है 75% पार्टी को और 25% अपने पास रखो, सर्टिफिकेट दे चुकी है। और अभी उन्होंने स्वीकार किया है कटमनी हुआ है और लाखों रुपये वापसी भी हो गई है। तो यहाँ की सरकार जो पैसा भेजती है लगभग 3.5-4 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार वहाँ के विकास के लिए सारे लूट हो जाता है, इसलिए विकास इतना नहीं बंगाल के। मुख्यमंत्री खुद कही है कि काटमानी उनके पार्टी के वर्कर ले रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए, यही मेरा सलाह। कट मनी के करंट से टीएमसी के नेताओं की बोलती बंद। पॉलिटिकल इशू दे रहे, बीजेपी इशू बना रहा ना, तो करने दो। बीजेपी ये कह रहा है कि कुछ नहीं होगा कट मनी। चुनाव में भी पीएम ने किया था टीएमसी के भ्रष्टाचार पर चोट। ट्रिपल टी टैक्स, पश्चिम बंगाल का पच्चा तृणमूल तोलाबाजी टैक्स से परिचित है। खुद ममता ने मानी थी कट मनी वाली बात। कट गए वोट तब कट मनी पर चोट।